ये वॉल्यूम वॉल्यूम भी इससे हो सकता है ना? हाँ, वॉल्यूम फोन वोन यहाँ से उठा सकते हैं, ब्लूटूथ यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसकी स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत शानदार, वो तो मेरी की भी हो जाती है। बटने नहीं है सिर्फ, तो दोस्तों सीट भी उठ जाती है। हाँ, एडजस्टर वाली है, ऊपर नीचे हाइट वाली एडजस्ट हो जाती है। हेलो गाइस, गुड नून, मैं हूं ऋषि और स्वागत है आपका मेरे चैनल ऋषि सिंह व्लॉग्स पे। सो गाइस, आप देख सकते हैं अपने बगल में बैठे हुए हैं अपने अभिनव भाई, मतलब के शुक्ला जी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुक्ला जी जो हैं वो लखनऊ के निवासी हैं। ठीक है, और मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ, चूंकि आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है ये अपनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी चमक रही है भाई, खिलखिला रही है, भाग रही है, तड़प रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये गाड़ी है बिल्कुल नई, और इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये ना UP 32 की गाड़ी है, मतलब कि अभिनव भाई जैसा कि मैंने बताया आपसे कि लखनऊ के भाई हैं, और इनकी जो गाड़ी है ये है UP 32। और इस गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ओला में लगी है, मतलब कि अभी तक ओला में लगने के बाद इस गाड़ी ने एक भी राइड नहीं मारी। नहीं मारी ना अभी? नहीं मारी है भाई, क्योंकि ये अभी लग के आई है मात्र 2 घंटे पहले। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी ना मैं आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि अपने ना काफ़ी सारे भाई लोग थे जो पूछ रहे थे कि भाई अगर हम VXI गाड़ी लगाएंगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि डिज़ायर में अपना या तो टूरस या तो VXI, यही दोनों ऑप्शन होते हैं हम लोगों के पास ओला में लगाने के लिए। ठीक है ना ब्रो, तो टूरस तो ज़्यादातर सभी लोग लगाते हैं, लेकिन जो अभिनव भाई हैं अपने शुक्ला जी, इन्होंने लगाई है VXI। तो अभी ना हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे अभिनव भाई से इस गाड़ी के बारे में कि क्या क्या इस गाड़ी में मिलता है, और इसके अलावा DP, EMI, टेन्योर, उस DP का सारा कुछ। तो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो चैनल को ना गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना गाइस फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले ना हम लोग चलते हैं गाड़ी के बाहर और दिखाता हूँ मैं कि ये ना अपनी VXI मॉडल है। ठीक है ना गाइस, तो सीधा ना हम लोग यहाँ से पहले बाहर चलते हैं। लॉक तो नहीं होगी ना अभिनव भाई? हाँ, कंपनी फिटेड है तो कहाँ ही से लॉक होगी। तो दोस्तों अभी ना आप देख सकते हो ये है गाड़ी का पीछे का लुक, जो कि अपनी VXI है, UP 32 नंबर है। और हम लोग अगर इसके साइड लुक की बात करें तो साइड से कुछ इस प्रकार से दिखती है, हालांकि यार बाहर से दिखाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जो डिज़ायर है ना वो टूरस हो, चाहे VXI हो, चाहे इसका टॉप वाला मॉडल हो, वो सारा ना ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ठीक है ना गाइस, तो अभी ना हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर की। ठीक है, ये गाड़ी बिल्कुल नई नवेली है, अभी कुछ दिन पहले इसका नंबर आया है, अभी दोपहर में ही जो इसका ना मतलब ये ओला और उबर में और रैपिडो में अटैच हुई है। ठीक है ना गाइस, तो अभी हम लोग अगर बात ये करी जाए कि इस गाड़ी में अपने अभिनव भाई को मिला क्या क्या है, तो सबसे पहले ना आप यहाँ से देखिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है भाई। VXI लेने का मतलब यार प्रॉफिट तो है, ये चीज़ तो है, पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन गाड़ी में ना यार ज़्यादातर चीज़ें कंपनी फिटेड ही होती हैं, और उसका ना एक अलग ही लेवल का भाई मतलब प्रॉफिट होता है, समझ रहे हो आप लोग, मतलब कोई भी बाहर से वायरिंग नहीं, कोई भी कुछ नहीं। ठीक है ना गाइस, तो इस गाड़ी में एक तो सबसे पहले आप देखिए चारों पावर विंडो है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, मतलब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखिए चारों पावर विंडो है, डोर लॉक अनलॉक का है, साइड मिरर को सेट करने के लिए भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये अपने डोर लॉक करने का बटन दिया हुआ है। तो कुल मिला के ना बाहर से इसमें कुछ भी नहीं लगा, सारी चीज़ें कंपनी फिटेड हैं, पावर विंडो, अपना डोर का लॉक अनलॉक, विंडो का डोर लॉक अनलॉक, और इसके अलावा साइड मिरर को एडजस्ट करने वाला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके म्यूज़िक सिस्टम पर। ठीक है ना गाइस, तो हम ना पीछे बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छे से व्यू आएगा, और आपको ना समझ में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आएगा। देख सकते हो भाई पीछे भी इसमें लगी हुई है पावर विंडो। भाई साहब ये सारी चीज़ें खरीद डाली क्या अभिनव भाई? तो भाई साहब मैं ना पीछे बैठ चुका हूँ, लेग रूम की बात करी जाए तो अपनी जो टूरस आती है उससे तो ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा अच्छा ही है भाई। ठीक है, पीछे रेयर AC भी दिया हुआ है। अब ये गाड़ी जो है हन के गैस पिएगी अपने अभिनव भाई की, देख सकते हो भाई पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं, तो इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि भाई गाड़ी ना बिल्कुल नई है, बिल्कुल अच्छी है, और एकदम ना ताज़ा ताज़ा आई है। अभिनव भाई अंदर आओ जरा, अंदर आओ अंदर आओ। तो दोस्तों ये ना पीछे का डैशबोर्ड है, और भाई ने देख सकते हो भाई आर्मरेस्ट भी लगवा रखा है। तो अभी ना हम लोग बात कर रहे थे अपने म्यूज़िक सिस्टम की, तो म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी में ना इनबिल्ड होके मिला है दोस्तों, ये वाला, और इसमें स्टीयरिंग पे भी इसके बटने मिल चुकी हैं, कंट्रोल वाली ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है,
ये वॉल्यूम वॉल्यूम भी इससे हो सकता है ना? हाँ, वॉल्यूम फोन होने यहाँ से उठा सकते हैं, ब्लूटूथ यहाँ से सेट कर सकते हैं, उसकी स्टीयरिंग ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत शानदार, वो तो मेरी की भी हो जाती है। बटने नहीं है सिर्फ, तो दोस्तों सीट भी उठ जाती है। हाँ, एडजस्टर वाली है, ऊपर नीचे हाइट वाली एडजस्ट हो जाती है। इसमें ऊपर नीचे हो जाती है। टूरिस्ट में तो नहीं होती भाई, पैसा भी तो ज्यादा दिए हो तुम भाई। तो दोस्तों ना, ये है VXI, अभी नई नई निकली है और अभी ना आज ही ओला में लगी हुई है। तो दोस्तों अभी ना हम लोग जानते हैं अपने अभिनव भाई से कि इस गाड़ी की भाई ने डीपी कितनी दी है, क्योंकि कंपनी से चीजें तो काफी ज्यादा भाई ने लगवा रखी हैं। भाई डीपी जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस गाड़ी में भाई ने कंपनी से शोरूम से क्या क्या लिया है, जो कि कंपनी को पैसा दिया उसका एडिशनल। इसमें हमें कंपनी ने कुछ ज्यादा नहीं दिया, रुपए तो पूरे 20,000 ले लिए एसेसरीज के, हमने पूरे 20,000 की एसेसरीज उनसे लिए। हाँ, लेकिन उन्होंने हमको ज्यादा कुछ सामान दिया नहीं है। क्या, जो जो मेन दिया है वो दिया, जैसे डोर वाइजर हो गए हैं। हाँ, बाहर के मतलब ये जो डोर वाइजर लगे हुए हैं दरवाजे वाले, ये कंपनी के ही है। हाँ, कंपनी रेन वाइजर और मेटे जो मिलती है नॉर्मल वाली, जो नीचे अपन जिसकी बेकार वाली, मतलब रबड़ वाली, रबड़ वाली वो मेटे मिली है हमको। गाड़ी का कवर मिला होगा, गाड़ी का कवर मिला, परफ्यूम मिला होगा, मिला है कैंपल मिला होगा, इसका कवर मिला होगा, सीट कवर मिला होगा। यही सब बेसिक चीजें जो कि नॉर्मल बेसिक ही होती हैं दोस्तों, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड, पावर विंडो कंपनी फिटेड, डोर अनलॉक कंपनी फिटेड, सारी चीजें ना ऑलमोस्ट कंपनी फिटेड ही है इस गाड़ी में। तो अभी हम लोग आते हैं कि ये गाड़ी अपने भाई को टोटल पड़ी कितने की। अगर हम लोग बिना लोन की बात करें अभिनव भाई, तो ये गाड़ी टोटल ऑन रोड कितने की आ रही है? ये गाड़ी आ रही है 9,50,000 रुपए की, 9.5 लाख की। और टूरस आ रही है 8.5 लाख रुपए की। और टूरस में कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें ये सारी चीजें मिल गई। मतलब 1 लाख रुपए एडिशनल अगर आदमी लगाएगा तो उसको सारी चीजें कंपनी फिटेड ही मिल जाएंगी, उसको आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं करवाना है। ये प्रॉफिट होगा दोस्तों, अगर कोई भी मेरा भाई VXI लेता है तो ठीक है, अगर उसका बजट अच्छा है, उसका उसकी जो पॉकेट है वो अलाउ करती है VXI लेने की, तो आप ना ये VXI भी ले सकते हो, काफी ज्यादा शानदार गाड़ी है। तो अभी ना 9.5 लाख की गाड़ी है, तो इस पे अभिनव भाई हम लोगों की डीपी कितनी गई टोटल? डीपी हमने 2.5 लाख रुपए जमा की थी। 2.5 लाख रुपए डीपी गई है। और ईएमआई कितने की बनी है? 16,024 रुपए की ईएमआई बनी है। 16,024 रुपए की 59 ईएमआई बनी है, मतलब 5 साल की, 5 साल में 1 महीने कम की, 1 महीने कम की। तो 5 साल की ईएमआई है दोस्तों, 16,024 रुपए की, 2.5 लाख रुपए की डीपी है और 9.5 लाख रुपए की गाड़ी है। अगर कोई ऑन रोड लेता है तो टूरिस्ट में थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 8.5 लाख की गाड़ी है। लेकिन बाहर से अगर आदमी 40-50,000 रुपए खर्च करता है तो ले देंगे, बात वही आ जाती है, वो बात भी फिर नहीं आ पाती। इसका देख सकते हो जो आरपीएम वगैरह सब दिखता है टूरिस्ट में, तो ये सब आरपीएम नहीं है ना, सादा है उसका, सादा है इसका, डिजिटल टाइप का है, बढ़िया सा प्यारा सा दिख रहा है भाई। कुछ भी कहो यार, पैसा लगने के बाद चीज तो अच्छी मिलती है। और भाई गाड़ी आज ही अपनी अटैच हुई है ना इसमें ओला में? आज ही अभी एक चलाई नहीं, एक भी राइड नहीं की है, सीधा आपसे मिलने चला है। दोस्तों बात कुछ ऐसी थी कि जो अपने अभिनव भाई थे ना, वो मतलब हमसे जुड़े हुए हैं लगभग 1.5 साल से, आप समझ रहे हो। और भाई ने अभी नई नई गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है भाई का सीन ये था कि भाई फिर जल्दी मिलना है जल्दी, मतलब 1.5 साल से हम लोग मिल ही नहीं पाए। जबकि अभी ये क्या टूट गया भाई? जो सिगरेट पीने वाला, लेकिन जो हमारे को काम का नहीं, जो सिगरेट पीते हैं पैसेंजर वगैरह, जो अलग से होता है इसमें लग जाता है। बहुत शानदार जी, यहाँ पे लगा। अच्छा, खोल लो, यहाँ पे सिगरेट लगा ले आदमी, यही पे अपना वो डाल दे इसका जो ऐश गिरा दे। अच्छा, ये कितने का लगा जी? हमारा लगा भाई 13। अच्छा भाई, कंपनी के अलावा क्या क्या बाहर से लगवाया है? और आमरेस लगवाया था हमने, ये वाला। हाँ, इसमें क्या क्या और कुछ भी है इसमें? और जिसके अंदर स्पेस है, यहाँ पे पर्स वगैरह वॉलेट रख सकते हो, जो सीधा भी जाता है यहाँ से उठ भी जाता है, ठीक है। और ये वाली मैटिंग लगवाई घास वाली, जलेबी वाली। हाँ, जलेबी वाली। और इसके नीचे फ्लोरिंग कराई, जो पूरी फ्लोरिंग नहीं होती, पूरी पूरी होती है। हाँ, वो जो क्रीम कलर की दिख रही है, जो पूरी फ्लोरिंग करा दी थी नीचे। अच्छा, मतलब ले देके ना कुल मिला के सारे काम गाड़ी के हो चुके हैं, अब खाली एक काम बचा है, गाड़ी का पैसा कमाना। पैसा कमाना, अभी तक 1 रुपए कमाया नहीं गाड़ी से, अपने VXI गाड़ी का। मतलब अगर आप टूरिस्ट लेते हो तो वो 8.5 की पड़ेगी, अगर आप ये VXI लेते हो तो आपको 9.5 की पड़ेगी। 1 लाख का डिफरेंस जरूर है, लेकिन आपको सारी चीजें ना कंपनी फिटेड मिल जाती है, तो उसके भी अपने ही प्रॉफिट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि अभिनव भाई से मेरी मुलाकात 1.5 साल से नहीं हुई है, केवल बातचीत हो रही थी, अपने सब्सक्राइबर भाई हैं अभिनव भाई, तो इनसे मेरी आज मुलाकात ऐसे हो गई है
मैंने चूंकि अब चूंकि आप ये वाला व्लॉग देख रहे होंगे तो आज की अर्निंग का तो व्लॉग आपको दिखेगा नहीं, तो मैं आपको इसी व्लॉग में बता दे रहा हूँ कि मैं ना अभी गाइस लखनऊ में खड़ा हूँ, लखनऊ के आशियाने। कौन सा यार ये एरिया है? एरिया हमें भी नहीं पता तुम्हारे यहाँ पे रहने का भाई। अभी ज्यादा एरिया वगैरह पता नहीं, जो मेन मेन एरिया है जैसे लोगों ने बता दिया आशियाना। तो आशियाने पे तो हम लोग खड़े देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला पार्क है सामने, जो मेरे लखनऊ के भाई होंगे वो इस पार्क को पहचान जरूर जाएंगे। और ये वाला रोड है और सामने से चौराहा पड़ेगा, वहां पे मिस्टर ब्राउन भी बना हुआ है, तो ले देखे ना आप समझ जाएंगे अगर आप लखनऊ के होंगे। और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करें ना तो ये देख सकते हैं, ये है अपनी गाड़ी, ठीक है, UP 78 GN 3460। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी है और मैं ना लखनऊ आया हूँ अपनी प्राइवेट राइड लेकर के, जो कि 2500 रुपए की राइड है और प्लस टोल अलग से, ठीक है। तो इस साइड में अपना बच जाएगा, मतलब 700 रुपए की गैस भी हटा देंगे हम लोग तो 1800 रुपए बच जाएगा, क्योंकि टोल तो हम लोगों को अलग से ही लेना है। तो मेरी कमाई का आज का सीन कुछ ऐसा है, और यहीं पे मैं आया था तो मैंने कस्टमर को कर दिया था ड्रॉप, और इसके बाद मेरे पास टाइम था 5-6 घंटे का, तो भाई का नंबर था ही और भाई ने नई गाड़ी भी खरीदी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई आप लोगों को VXI वाला जो है रिव्यू देना बनता है, क्योंकि भाई बहुत सारे भाई अपने अभिनव भाई पूछा करते हैं कि भाई अगर हम VXI ले लें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें टूरिस्ट में कुछ मिलता नहीं, और सही बात है टूरिस्ट में कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये सीन है, ठीक है ना ब्रो। तो अभी ना यार इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट शायद में भी आपको समझ में आया होगा कि अगर आप लेने जाते हो तो 9.5 लाख की गाड़ी है, बाकी अभिनव भाई ने इसमें 2.5 लाख रुपए की DP दे के 16,024 रुपए की 59 EMI बनवाई है, और ये गाड़ी आज ही ओला उबर और रैपिडो तीनों चीजों में लग गई है, ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो अपने अभिनव भाई है ना, ये भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले, स्टार्ट कर ही दिया है, ठीक है, चार पांच ब्लॉग भी डाल दिए, मतलब जो भाई ने अपनी प्राइवेट राइडें मारी है ना इस अपनी नई गाड़ी से, तो वो सारे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा चूंकि आज भाई की गाड़ी ओला उबर और रैपिडो में लग चुकी है, तो कल से ना आपको ओला उबर और रैपिडो के काम का अपडेट लखनऊ वाला अपने भाई के चैनल पे भी मिलेगा। भाई के चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लखनऊ के काम का भी अपडेट ले सकते हैं, बाकी तो मैं दिए ही करता हूँ, लेकिन लखनऊ के प्रॉपर काम का कि ओला उबर और रैपिडो का लखनऊ का काम कैसा है उसका अपडेट भी भाई के चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। किस नाम से चैनल है? दा शुक्ला जी चैनल, दा शुक्ला जी के नाम से है भाई। भाई का स्मार्ट सा चेहरा आपको दिख जाएगा वीडियो में, तो आप पहचानने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा मैं भाई के चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको और ज्यादा आसानी रहेगी ढूंढने में, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी भाई के चैनल को ढूंढने में, ठीक है ना ब्रो। तो आई होप कि आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका भाई इस समय थोड़ा सा रिप्लाई कम दे पा रहा है, उसका थोड़ा सा रीजन है दोस्तों, कई सारी चीजें चल रही, भसड़ चल रही इस समय यार अभिनव भाई जीवन में बहुत सारी है ना, काम, फिर वीडियोस, फिर शॉर्ट्स और बहुत सारी चीजें, तो यार टाइम का ना थोड़ा सा इशू हो जाता है यार दोस्तों। तो इसकी वजह से ना हो सकता है कि हम कभी कभी किसी भाई का रिप्लाई नहीं दे पाए हों, लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि मैं ज़्यादातर रिप्लाई करूं अपने भाइयों को, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो और किसी चीज़ से रिलेटेड, इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप ना कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं जैसे ही उसको देखूंगा वैसे ही आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना ब्रो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं दोस्तों कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।